राजस्थान विधानसभा चुनाव में जुटे ओवैसी, कड़ी सुरक्षा के बीच ओवैसी का राजस्थान दौरा, कितने सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, पूरी खबर देखें अंत तक। राजस्थान में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये चुनावी दौरा रहा और आज जो है ये चुनावी दौरा जो है वहाँ पर सियासी जो गलियारों में काफ़ी जो है उथल पुथल लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से जानते हैं कि राजस्थान में जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जो है हर बार जो है मुसलमान और दलितों का वोट लिया है, लेकिन यहां पर कुछ बदलाव नहीं किया न विकास किया। इस बार एमआईएम यहां एक विकल्प के तौर पर आई है और जैसा लग रहा है कि एमआईएम को इस बार लोग जो है जमकर वोट देंगे। भले एमआईएम को 2022 में जो है कहीं से कामयाबी नहीं मिला हो, लेकिन उम्मीद है और ओवैसी साहब जो यहाँ पर 2023 से अपना चुनावी खासतौर पर जो यात्रा शुरू किए हैं, दौरा शुरू किए हैं, यहाँ पर सफल होने वाला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके बाद वो बिहार भी जाएंगे, सीमांचल का दौरा करेंगे, वहाँ पर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे, तो वहीं आज जो है राजस्थान में पहुंचकर विधानसभा का बिगुल फूक दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर 20 सीटों पर मानना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, अभी तक फिलहाल घोषणा नहीं हुआ है और कोई पार्टी का भी यहाँ पर अब तक जो है गठबंधन भी नहीं हुआ है, लेकिन बारीकी से जो है यहाँ के चुनावी माहौल को वो देख रहे हैं और तमाम तर जो है लोगों से मिल रहे हैं क्या रणनीति होगा। लेकिन ये दौरा जो है अहम माना जा रहा है, चूँकि अभी वक्त है 2 महीना कबल ये दौरा जो है वहाँ के सियासी जो गलियारे हैं वो जो है काफ़ी तेज़ी आया है और चुनावी माहौल अब आज से गर्म होने लगा है। फिलहाल जैसा ही रिपोर्ट आएगा आपको हम बताएंगे, चूँकि राजस्थान में 2023 को जो है राजस्थान से ही शुरुआत कर रहे हैं और राजस्थान जो है पहले से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एमआईएम पार्टी यहां पर चुनाव लड़े और यहां के लोगों को अब मौका मिल रहा है। 20 सीटों से अधिक जो है सीटों पर वो चुनाव लड़ने का पूरा इरादा बनाया है। जिस तरह से जानकारी हमको मिला है उसी तरह से आपको हम बता रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर क्या होगा, गठबंधन पर किससे बात चलेगी, वो पूरा हम खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल उनका इसके बाद जो है बिहार का दौरा रहेगा, बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। तब तक जो है हमारे द मैसेज न्यूज़ में आप देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा।